पार की इबादत में हमने ये सीखा था कि जदाउन जो है वो खुदावन से कहता है कि खुदावन अगर तू मेरे साथ बात करता है तो मुझे कोई निशान दिखा उसने जदाउन को एक निशान दिया लेकिन उसने मुझे और आपको हमें दो निशान जो है वो दिए। और पहला निशान क्या है यस्सु मसीह की यूनिक पैदाइश है और उस जैसी पैदाइश किसी और की नहीं है दूसरा निशान जो खुदावन ने दिया है वो यस्सु मसीह की खाली कब्र है अमीन ना उस जैसी पैदाइश किसी और की है और ना ही उस जैसी क्यामत किसी और की है पूरे बनी नो इंसान की तारीख में किसी की पैदाइश ऐसी नहीं है हर एक की कब्र जो है वो भरी हुई नजर आती है आपको लेकिन सिर्फ एक ही कब्र खाली है जो मुझे और आपको निशान के तौर पर खुदावंद दी है और वो कब्र जो है वो खुदावंद यस्सु मसी की है अमीन आज हम खुदावंद के कलाम में से एक और बात जो है वो देखेंगे खुदावन जो है वो जदाउन को जो कोलू में जो मैके हौस में गेहूं झाड़ रहा और छुपा रहा है खुदावंद उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुदावंद उसकी जिंदगी को तब्दील कर रहा है जो ट्रांसफॉर्म होना है उसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाना सो so, खुदावंद जुदाउन की जिंदगी को जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहा है और आज हमने यह सीखना और देखना है और बड़ा मेजर स्टेप है कि खुदावंद किस तरह से ना सिर्फ जदाउन की जिंदगी को तब्दील किया उसने बल्कि वो मेरी और आपकी जिंदगी को भी इसी तरह से तब्दील कर रहा है जदाउन की जिंदगी खौफ से भरी हुई जिंदगी थी मुझे आज के दौर में मुल्के पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों की जिंदगी जो है उसकी अक्सी करती हुई जुदाउन की जिंदगी नजर आती है जो बनी इसराइल के जुदाउन के टाइम में थे वही हालात आज हमारे दौर में भी हैं खुदा इन हालात में आज के जदाउन को खड़ा करना चाहता है दाउन जो माइटी वॉरियर हैं जो माइटी मैन ऑफ वेलर जिनको कहा जाता है खुदाउन उनको खड़ा करना चाहता है और खुदावंद जो है उनकी जिंदगी में काम करके उन्हें अपना एम्बेसडर बना के जो है वो रहाई और आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है हम उसके चैनल बन जाए खुदावंद ये चाहता है जुदाउन में और अपनी जिंदगी में जो मुताबकत है उसको आप ध्यान से देखिएगा जब ये सारा टेस्ट हो गया फती रोटियां और उसने गोश्त जो है वो उबाला है और खुदावन का फरिश्ता उससे कहता है वैसे फरिश्ते का कैसा सब्र है कि जदाउन जो है वो कहता है कि खुदावन जब तक मैं आ ना जाऊं तू यहीं पे मेहरबानी करके तू यहीं पे रह और फरिश्ता उससे कहता है कि मैं तेरा इंतजार करूंगा और फरिश्ता जदाउन के इंतजार में उस जगह पर जो है उसी जगह पर ठहरा रहा कभी अपने गौर किया है खुदाउन हमारा इंतजार कर रहा है जुदाउन के पास तो गोश्त नहीं होगा जुदाउन जो है वो गोश्त लाया या उसने कुर्बानी की या क्या किया उसने कुर्बानी करके गोश्त को तैयार किया गोश्त को उबाला है उसने और गोश्त और शोरबा और फतीरी रोटियां लेकर जब तक जुदाउन गया नहीं है खुदाउन का फरिश्ता अपने वादे के मुताबिक वहीं पर ठहरा रहा कम अज कम आज के दौर में मैं सोचूं तो ये सारा काम करने के लिए तीन घंटे तो कहीं भी नहीं गए जो गोश्त है जो उसने उबाला है उसे एक जगह पे रखा और शोरबा को उसने चटान पर जो है वो उंडेल दिया और खुदावन का फरिश्ता जो है उसने अपने असा की नोक से गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ इक्कीसवी आयत और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भसम कर दिया तब खुदावन का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया और जुदाउन ने जान लिया कि वो खुदावन का फरिश्ता था अब जुदाउन ने जाना है कि वो खुदावन का फरिश्ता था और जुदाउन ही तो उसे कह रहा था कि खुदावन अगर तू मेरे साथ बातें करता तो मुझे कोई निशान दिखा और जब फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया तब उसने जाना कि ये तो निशान था जो खुदावन ने मुझे दिया है और खुदावन का फरिश्ता मेरे साथ जो है वो बात कर रहा था बाईसवीं आयत जुदाऊन खौफ से भरा हुआ है क्योंकि जदाउन जानता है कि आसमान और जमीन में दुश्मनी है वो जानता है कि आसमानी लश्कर में और बनी इंसान में एक दीवार हायल है एक दुश्मनी है और वो दुश्मनी जो है वो थमे रहती है हमें जुदा कर दिया है उस दुश्मनी ने आसमानी लश्कर को जमीनी बनी नो इंसान से उसने जुदा कर दिया है अलहदा कर दिया है इस सबब से जब भी पुराने अहदनामे में लोगों ने फरिश्ते को देखा तो अक्सर उकात लोगों ने यह सोचा कि मैं हलाक हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने खुदावन के फरिश्ते को देखा अगर आप बाइबल मुकदस को देखें कि खुदा जो है वो जिंदगी के दरख्त की राह की निगहबानी करने के लिए उसने जो है क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलजन तलवार को जो खुदा ने मुकर ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान बढ़कर जिंदगी के बढ़ दरख्त में से भी सो ये दुश्मनी है ये तलवार है जो कायम हो गई है और यह दुश्मनी जो है जुदाऊन अच्छी तरह से जानता है कि यह दुश्मनी जो है यह जुदाई जो है यह बनी नो इंसान के गुनाह की वजह से है और खुदावन के फरिश्ते को मैंने रूबरू देखा वो कहते हैं अफसोस है ए मालिक खुदावन के मैंने खुदावन के फरिश्ते को रूबरू देखा खुदावन ने उससे कहा तेरी सलामती हो खौफ ना कर तू मरेगा नहीं जो मौत का खौफ है जदाउन की जिंदगी में है और खुदावन ने कलाम किया और उसके कलाम के वसीले से वो खौफ उसने दूर किया चौबीसवीं तब जदाउन ने वहां खुदावन के लिए मजबा बनाया और उसका नाम उसने यहोवा सलोम रखा और ये मजबा जो है वो कहता है कि वो उफरा में अभी के उफरा में आज तक कायम है अजीब बात है मजबे का नाम उसने यहोवा शालोम रखा अगर आप पैदाइश की किताब और उसका अट्ठाईसवां बाप देखें तो याकूब अपने बाप के घर से जब निकला तो याकूब रास्ते में था और लूस के मुकाम पर जो है वो वो सो गया और उसे ख्वाब आया और उस ख्वाब में उसने देखा कि एक सीढ़ी जिसका सिरा आसमान तक है और खुदावन के फरिश्ते जो है वो आ जा रहे हैं वो सुबह उठा और उसने उस जगह का नाम बैतेल रखा पहले उसका नाम लूस था लूस का मतलब है जुदाई और बैतील का मतलब है खुदावन का घर जो उसके सराहाने का पत्थर था उसे उसने खड़ा करके उस पर तेल डाला लेकिन उसने उस पत्थर का नाम नहीं उस जगह का नाम बैतेल रखा जदाउन ने याकूब के उलट काम किया जदाउन ने जगह का नाम नहीं मजबे का नाम उसने यहोवा शालोम रखा खुदाउन के कलाम ने उसके खौफ को दूर कर दिया है खुदावन के कलमे ने उसके खौफ को जो है उसकी जिंदगी में से चुन लिया है निकाल लिया है दूर कर दिया है पे पे भी खुदावन का कलाम जाता है, वहां पे वो खौफ को निकाल लेता है चाहे वो कलाम खती हो चाहे लिखा हुआ कलाम हो क्यों आज भी आपके बच्चों को डर लगे आप फौरन क्या करते हो आप कलाम निकालते हो या आप कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी क्यों आप कहना शुरू कर देते हैं जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलिक साया में सुकूनत क्यों आप कहना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा मेरी कुमक कहाँ से आएगी मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया क्योंकि आपको लाशौरी तौर पर पता है कि खुदावंद का कलमा खुदामंद का कलाम खुदावन के मुंह के अल्फाज हैं वो आपके खौफ को दूर कर देते हैं और आपको शालोम से भर देते हैं आपको पीस से भर देते हैं आपको इतमान से भर देते हैं चाहे वो लिखे हुए कलाम की सूरत में हो उसका कलाम वो मुजस्म होकर हमारे दरमियान में उतर आए हमारे खौफ को दूर कर देता है यह मजबा जो उसने बनाया है उस मजबे का नाम उसने ये आम से पत्थर हैं। इन पत्थरों के बारे में नहीं लिखा कि यह पत्थर जो है ये संग मारमर हैं, ये रेड एंड व्हाइट हैं। पत्थर नीलम के हैं या पुखराज के हैं या ये कौन से पत्थर हैं इन पत्थरों की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन इन पत्थरों की खसूसियत और खासियत ये है कि इस जगह पर इस मजबे पर खुदांद ने उसके खौफ को दूर किया था खुदांद ने उसकी जिंदगी में काम किया था ने अपने कलाम को नाजिल किया था और उस कलाम के वसीले से उसका खौफ दूर हो गया था इस सबब से इस सबब से ये जगह यहोवा शालोम है कभी आपने सोचा है कि हमारे घरों में और हमारे गिरजों में क्रॉस लगी होती है वो क्रॉस जरूरी नहीं कि वो चीड़ या पड़तल या देवदार की कोई और लकड़ी की हो या वो लकड़ी एशवुड ही होनी चाहिए नहीं कहीं नहीं लिखा आप एक आम सी लकड़ी उठाते हैं ये वो मुकाम है जहां पे जिस कुर्बान पे जिस पर मेरे और खुदा के दरम्यान में सुलह हुई है कभी आपने गौर किया है कि वो दुश्मनी जो ना सिर्फ जदाउन के वक्त में थी वही दुश्मनी आज भी लोगों में मौजूद है खुदा एक पार्टी है और इंसान दूसरी पार्टी है लेकिन खुदा और इंसान के दरमियान में एक शख्सियत है जिसने सिली पर लटक के इंसान और खुदा की सुलह करा दी है और ये वो जगह है उसकी सिली वो जगह है जो मेरे और आपके लिए शालोम है जो हमारे लिए इतमान है जो हमारे लिए सलामती है की इंजील उसका सोलवा बाब और उसकी आयत देखो वो घड़ी आती है बल्कि आप पहुंची तुम सब प्रागंदा होकर अपने अपने घर गिरा लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो अभी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इतमान पाओ दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब और ये जो डिस्कोर्स है ये खुदावंद की जो बातचीत है और शागिर्दो के दरमियान में जो मुकालमा है यह खुदावंद मसीह की सलीब के तनाजर में है कभी आपने गौर किया है है कि है उसके उसके सामने सामने सलीब दुख और मुसीबत और मुसीबत मौत है। अपनी मुसीबत के बारे में बातचीत करने की बजाय वो शागिर्दों के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं उसकी सलीब असल में वो जगह है जिस जगह पर आकर मैं और आप ना सिर्फ शालोम पाते हैं बल्कि मैं और आप गालिब भी आते हैं और खुदा हमसे ये कहता है बिल्कुल ऐसी जैसे उसने ज़दाउन से कहा कि तू खौफ ना कर तू मरेगा नहीं तेरी सलामती हो बिल्कुल उसी तरह से खुदा की सलीब के पास जब हम आते हैं तो मुझे और आपको ये बिल्कुल यही बात कहता है खातिर जमा रखो यह सिर्फ यहां पे नहीं है कि जो बात उसने जिदाउन को कही वही बात जो है वो मेरे और आपके साथ और शागिर्दों के साथ कर रहे बल्कि उसकी के वक्त में भी जब चरवाहे उसके दूसरे बाब में मैदान में रहकर अपने गले की निगेबानी कर रहे थे खुदाउन के कफरिश्ता और बड़ी गिरोह जो है फरिश्तों की बड़ी गिरोह जो है वो उन पर जो है वो ये कहती हुई जाहिर हुई कि आसमान पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है जिनके साथ खुदा की सुलह हो जाती है है ना necessary... जिनके साथ खुदा राजी हो गया है जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। यही बात जो फरिश्ते चरवाहों के साथ कर रहे हैं खुदावंद जदाउन के साथ कर रहे हैं जिसके साथ उसकी सुलह हो गई है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई है आपकी खुदा के साथ सुलह हुई है के नाम खत, उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत के आखिर तक चुनाचे उसने हमको उस चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मुहब्बत में पाक और बेब हों और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर किया कि यस्सु मसीह के वसीले से उसके नए पालिक बेटे हो ताकि उसके उस फजल के जलाल की हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा मैं चुना गया उन्नीस सौ नब्बे में जब मेरी जिंदगी तब्दील हुई इसी तरह से आपका साल है आपका सन है जब खुदा ने आपको चुन लिया खुदा की मोहब्बत आप पर जाहिर हुई लेकिन पालोसर सोल ये कह रहा है पालोसर सोल मेरी जिंदगी के बारे में उन्नीस सौ नब्बे की बात नहीं कर रहा अगर आपकी जिंदगी उन्नीस सौ तिहत्तर में तब्दील हुई तो पालोस रसूल उन्नीस सौ तिहत्तर की बात नहीं कर रहा पालोस रसूल जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है उसने बनाया आलम के पेशतर से हमको चुन लिया वो शालोम वो इतमान जो खुदा मंद हमें देता है वो उसकी सलीब के पास आकर उसकी सलीब का मुकाशफा हमारी जिंदगियों के सारे खौफ को दूर कर देता है जुदाउन के बारे में वो देखें वो कहता है मैं अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूं और ना सिर्फ मेरी बात मेरे जो बाप का घराना है वो भी मुनसी में सबसे गरीब खानदान जो है मेरी हेरिटेज नहीं है मेरी कोई लेगेसी ही नहीं है और कभी आपने सोचा ये थी? यही सोच तो आज मसीहों की सोच है जब आप बाजार में जाते हैं जब आप बाजार में काम करते हैं जब आप जिंदगी गुजारते हैं कि तो उन लोगों को छोड़ें आप अपनी नजर में ही हकीर अपने आप को समझते जाते हैं हम खाम खाही अपने आप को इंफीरियर समझते हैं हम सबसे छोटे हैं हम सबसे कमतर हैं लेकिन आपको पता है इस बात का कि वो मसीह जिस पर मैं और आप ईमान रखते हैं बाइबल मुकदस में वह खुदावंद य छोटे छोटे लोगों का बहुत बड़ा खुदा बन के उतरा है। कभी आपने यह बात सोची है कि खुदावंद के बारे में है ना वो कहते हैं बेतरहम अफराता तो यहूदा के हाकमों में हर सबसे छोटा नहीं है वो कहता है अगर चाहे तो सबसे छोटा है लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला करेगा खुदावंद आपके छोटे होने को एहसास को समझता है उसका दिन हम बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे लोगों का बहुत बड़ा खुदा उनके दरमियान में उतर आया अपने पहले आम खत में उसके पांचवें बाब में कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं जो अमारत का क्राइटेरिया मैार खुदा की नजर में है वो उसका बेटा है आसमानी करेंसी डॉलरों पर या रुपयों पर नहीं वो खुदा के बेटे पर कायम है जिसके पास खुदा का बेटा है वो सबसे अमीर है वो सबसे दौलतमंद है आपके पास जिंदगी है आपके पास खुदा का बेटा है और यह बेटा जो उसने मुझे और आपको बख्शा है उसकी सलीब हमारी जिंदगी में शालोम और इतमान को लेकर आई है उसकी सलीबी मौत ने मुझे और आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में से निकाल दिया है और हमें इंतहाई सुपीरियर बना दिया है गौर करें कि गरीब कौन है गरीब वो है जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है और यह सुमसी ने इसीलिए कहा था उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से ये जो जिंदगी है ना इसके लिए यूनानी जुबान में लफ्ज़ जोए इस्तेमाल किया गया है और जोए का मतलब है ये जो जिंदगी है ये डिवाइन है ये इलाही जिंदगी है और फिर ये इनकरप्टेबल जिंदगी है ये अनक्रिएटेड जिंदगी है ये जिंदगी पैदा नहीं क्यों कर सकता ये जिंदगी इंडिस्ट्रक्टिबल है ये जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं हो सकती और ये जिंदगी जो है ये इटर्नल है और ये जिंदगी सिर्फ जस्मानी नहीं है ये जिंदगी जो कसरत की जिंदगी जिस जो जोए है वो कभी भी ज़स्मानी जिंदगी नहीं होती थी बल्कि इस जिंदगी का तलक आपके बदन के साथ आपकी जान के साथ और आपकी रूह के साथ है रूह बदन और जान में कसरत की जिंदगी जो जान में मोहताज है जो रूहानी तौर पर मोहताज है वो कैसे जिंदगी वो कैसे इमारत वो कैसी दौलत वो कैसी अमीरी की बात करता है वही शख्स दौलतमंद है जिसके रूह बदन और जान में खुदावंद ने खुदावंद ने जिंदगी बख्शी है ये सो उस जिंदगी की बात कर रहा है जदाउन कहते हैं मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूं मेरा घराना मेरा खानदान में सबसे गरीब है और उसके जवाब में उसे क्या कहता है कहता है मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा खुदामंद ने उसकी वीक हेरिटेज के एहसास को इनफीरियर कॉम्प्लेक्स को खुदामंद ने उसकी जिंदगी में से जो है वो दूर किया जुदा किया खुदामंद उसके खौफ को दूर कर रहे हैं और खुदा अपना इतमान उसे दे रहा है वो जो गेहूं को झाड़ रहा था उसे वहां से निकालता है और उसे कहता है तो अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को रहाई बख्श खुदामंद उन लोगों को बरकत देता है जो उसकी बरकतों के चैनल बन जाते हैं खुदामंद ने आपके खौफ को दूर किया खुदामंद ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है ने आपकी जिंदगी में काम किया है वो कहता है जो बरकत तेरे पास है उस बरकत को लेकर जा और दूसरे लोगों को छुड़ा जो बरकत को रोकने की बजाय आगे पास करते हैं वो खुदाबंद के जदाउन बन जाते हैं वो ज़बरदस्त सूरमा बन जाते हैं